हृदय हमारी मुट्ठी के आकार का मांसपेशियों से बना एक अंग है। ये एक पंप की तरह काम करता है। इस पंप से रक्त सारे शरीर में पहुंचता है और लौटकर वापस आता है। जाते समय ये ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व लेकर जाता है और शरीर से वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। ये आने जाने का चक्कर चलाने के लिए ही ये पंप धक धक करता रहता है। हृदय के चार हिस्से होते हैं, दो दाएं और दो बाएं, या दो ऊपर और दो नीचे। ऊपर वालों को कहते हैं एट्रियम और नीचे वालों को वेंट्रिकल। तो ये हुआ बायां एट्रियम और ये दायां एट्रियम। तो नीचे वालों के नाम क्या होंगे? बिल्कुल सही, बायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल। हृदय में रक्त लाने और बाहर ले जाने के लिए मानो पाइप या ट्यूब यानी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें रक्त वहनियां कहते हैं। यहां से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त की छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन सारी नलिकाओं को जोड़ दो तो कुल लंबाई कितनी होगी? 1,00,000 किलोमीटर के करीब, यानी मुंबई से दिल्ली और वापस के 50 चक्करों के बराबर। यहां जो नीले ट्यूब दिखाए गए हैं वो बताते हैं कि इनमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है। और शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सर और भुजाओं से रक्त यहां ऊपरी ट्यूब पर आता है और पेट, पांव इत्यादि निचले अंगों से इस निचली ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इस दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस एट्रियम का सिर्फ नीचे की तरफ यानी सिर्फ एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। ऐसे और भी दरवाजे हैं, इन्हें वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा, तब अशुद्ध रक्त यानी कम ऑक्सीजन वाला रक्त वेंट्रिकल में आ चुका होगा और उसके पीछे वाला वॉल्व बंद हो चुका होगा, यानी वो उल्टा नहीं खुलेगा। लेकिन वेंट्रिकल का ऊपर की तरफ खुलने वाला एक और दरवाजा है। जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तब जैसे एक पाउच को दबाने से अंदर का द्रव या पेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही यहाँ रक्त इन बाई और दाई ओर से नीली ट्यूब से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये बाहर जाके आखिर जाएगा कहाँ? बाकी शरीर में नहीं बल्कि फेफड़ों में। एक नीली नलिका दाएं फेफड़े में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़े में। फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जहां इस अशुद्ध रक्त की मुलाकात ऑक्सीजन से भरपूर हवा से होगी। ये वो हवा है जो हम जब सांस लेते हैं तब अंदर आती है। अब ये रक्त लाल हो जाएगा क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन आ चुका है। ये लाल रक्त फेफड़ों से एक बार फिर हृदय की तरफ जाएगा और हृदय में बाएं एट्रियम में अंदर आएगा। यहां पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा तब यह शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खींचा चला आएगा और जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब यह ऊपर खुलने वाले वॉल्व से बाहर सिर, भुजाओं के लिए, पेट और पैरों की तरफ जाएगा। हृदय का सिकुड़ना और सामान्य हो जाना एक धक धक यानी एक धड़कन बनाता है और ये धक धक चलती रहती है। रक्त शरीर भर में पहुंचता रहता है और लौटकर वापस आता रहता है। फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होता है और फिर चल पड़ता है शरीर भर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए। शरीर से वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जिसे छोड़ देता है फेफड़ों में। तो ये थी कहानी हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं।